देख रहे हो सामने, चल 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 बात करो ना। अरे गिरेगा बोल रहा हूँ, चले वाले मत बात कर मेरे से। आपको बोल रहा नीचे गिरेगा, देख बोले तो चले वाले बोल रहा तू। आज के वीडियो में आपको काजोल देवगन और उनकी बहन के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बॉलीवुड और एवरग्रीन एक्ट्रेस काजोल देवगन को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। पिछले कुछ समय से काजोल देवगन बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव दिखाई दे रही हैं और सोशली एक्टिव होने के साथ साथ उन्हें हर इवेंट पर भी देखा जाता है। काजोल देवगन जिस तरह से हर इवेंट हर ओकेजन को बहुत ही लाइवली वे में सेलिब्रेट करती दिखाई दे रही हैं और वो हर ओकेजन पर एक न्यू रूप में दिखाई देती हैं, एक न्यू ड्रेस में दिखाई देती हैं और उनकी हर न्यू लुक को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। काजोल देवगन की दिवाली की ही एक और लुक सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपनी बहन तनिषा मुखर्जी के साथ पोज करती दिखाई दे रही हैं। बात करें काजोल और तनिषा की तो दोनों ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी हैं और दोनों एक तरह से ट्विन करती दिखाई दे रही हैं। तनिषा ने फ्लोरल रेड साड़ी पहन रखी है और काजोल देवगन की साड़ी बनारसी साड़ी है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। काजोल देवगन की दिवाली की जितनी भी लुक सामने आई है सबको बहुत ज्यादा पसंद किया गया है और काजोल देवगन के साथ साथ उनकी फैमिली से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ जाता है। काजोल देवगन की फैमिली की बात करें तो काजोल देवगन की फैमिली में उनकी बेटी निशा देवगन को भी आजकल खूब चर्चा में देखा जाता है। निशा देवगन के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत जल्दी बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है जिसके लिए उनकी ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन निशा देवगन की कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी सामने आती रही है और जिनको देखकर ये बताया जाता है कि निशा देवगन को काफी ज्यादा कंट्रोल भी किया जा रहा है और उन्हें ये बताया जा रहा है कि वो अपनी फिलहाल बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी करें और फजूल में उनका नाम सामने ना आ पाए, क्योंकि आज तक काजोल देवगन और अजय देवगन का कोई भी नाम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं देखा गया और दोनों कंट्रोवर्सी से बहुत दूर अपनी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं और ऐसा ही उनकी बेटी निशा को भी सिखाया जा रहा है। अब देखना यह है कि निशा कितनी हद तक अपनी मॉम और डैड की बातों पर चलती हैं। आपको काजोल देवगन और तनिषा मुखर्जी की ये पिक्चर कैसी लगी और दोनों का बॉन्ड और दोनों की लुक कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।